आपका स्वागत है। मेरी नई नई प्यारी प्यारी स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कई साल पहले की बात है, टुनकपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। यूं तो टुनटुनी के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन इन दोस्तों में टोनी उसका बेस्ट फ्रेंड था। टोनी और टुनटुनी बचपन से ही एक साथ खेलते, स्कूल जाते और एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे। एक तरफ जहां नन्ही टुनटुनी टोनी के साथ सेफ फील करती, वहीं टोनी भी उसके साथ अच्छा फील करता था। टोनी और टुनटुनी अक्सर स्कूल से आने के बाद तालाब के किनारे बैठा करते थे और ढेर सारी बातें भी करते थे। टोनी, हम जैसे अभी अच्छे दोस्त हैं, क्या वैसे ही बड़े होने के बाद भी अच्छे दोस्त बने रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं टुनटुनी, हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। वादा करो टोनी, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मैं वादा करता हूँ, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। टोनी, तुम चिंता मत करो। एक तरफ जहाँ टोनी और टुनटुनी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वहीं कालू कौआ टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके पीछे की वजह कालू कौए का टुनटुनी चिड़िया को एक तरफा प्यार था। कौआ चाहता था कि टुनटुनी सिर्फ उसी से बातें करे, उसी के साथ रहे और किसी से भी बात ना करे। टुनटुनी, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर मेरे होते हुए तुम उस टोनी से बातें क्यों करती हो, तुम उसके साथ क्यों रहती हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मगर ये प्यार एक तरफा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कालू, मुझसे प्यार करोगी भी क्यों, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में तो टोनी है ना, तुम्हें प्यार करने वाला। टोनी और मैं बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे बीच दोस्ती वाला प्यार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं है। कालू, तुम हमेशा गलत नजर से ही हमें देखते आए हो। ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना, मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना हो तुम सोच सकते हो, पर मैं तुम्हें प्यार नहीं करती भाई साहब। टुनटुनी की ये सब बातें सुनकर कालू कौआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मन में टुनटुनी के लिए नफरत उमड़ने लगती है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन टुनटुनी मेरा भी खुद से वादा है, एक दिन मैं तुझे इतना आंसू रुलाऊंगा कि रोते रोते तेरी आंखें सूज जाएंगी। मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तूने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, इसकी कीमत तुझे जरूर चुकानी पड़ेगी टुनटुनी। खैर, इसी बीच हंसते खेलते टोनी और टुनटुनी की उम्र बढ़ने लगती है और वो 9वीं कक्षा में पढ़ने लगते हैं, क्योंकि टोनी के पापा एक सेकंड क्लास के सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए शहर में पोस्टिंग होने की वजह से वो टोनी को लेकर शहर जाने लगते हैं। लेकिन शहर आने से पहले टुनटुनी टोनी से मिलकर उसे एक बार फिर उसका किया वादा याद दिलाती है। टोनी, तुम मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन अपना वादा याद रखना, ना जाने कब हमारा एक दूसरे से आमना सामना हो जाए। फिक्र क्यों करती हो टुनटुनी, मैं अपना वादा हमेशा याद रखूंगा। टुनटुनी, ये तावीज अपने गले में पहन लो। ये किसका तावीज है टोनी? ये मेरा तावीज है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हें हर पल मेरी याद दिलाएगा। टुनटुनी को तावीज देने के बाद टोनी अपने पिता के साथ टुनकपुर गांव में चला जाता है। टोनी, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं हो, पर मैं तुम्हें अपने पास महसूस कर सकती हूँ। टुनटुनी ये सब बातें उसके तावीज को देखकर महसूस कर कह रही होती है। टुनटुनी बेटी, खाना खा ले, कब से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता, ध्यान कहाँ है बेटा तेरा? आई माँ, वो बस मैं पढ़ाई के बारे में सोच रही थी, इसलिए थोड़ा ध्यान वहाँ था। अच्छा, पहले खाना खा ले फिर सोचती रहना। शहर आने के बाद टोनी को टुनटुनी की याद आने लगती है, वो हर पल टुनटुनी को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में टुनटुनी का हाल भी कुछ इसी तरह होता है। धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और फिर ये दोनों जवान हो जाते हैं। टोनी कड़ी मेहनत करने के बाद इंजीनियर बन जाता है और इत्तेफाक से उसकी ड्यूटी टुनकपुर में लग जाती है। वहीं टुनटुनी भी अब कॉलेज की पढ़ाई करने लगती है।
कालू कौआ जो बचपन से ही टुनटुनी से एक तरफा प्यार करता था, वो अभी भी टुनटुनी के प्यार में पागल है और हर किसी से झगड़ा करता रहता है। एक दिन टोनी ड्यूटी करने के लिए टुनकपुर गांव आ जाता है। टोनी के गांव में आते ही टुनटुनी की नज़र टोनी पर पड़ती है और वो टोनी को पहचान जाती है। तुम काफी बड़े हो गए हो टोनी, पहचाना मुझे? ओह टुनटुनी, तुम भी बड़ी हो गई हो। एक प्रोजेक्ट की वजह से मेरी ड्यूटी यही गांव में लगी है, इसलिए मैं 4-5 महीने के लिए गांव रहने के लिए आया हूँ। बस 4-5 महीने ही टोनी? हाँ 4-5 महीने, वैसे भी इस गांव में रखा ही क्या है। टूनी टोनी के बदले बर्ताव से थोड़ा हैरान हो जाती है और वो टोनी से दूरियां बना लेती है। वहीं टोनी के गांव आने की बात का पता जब कालू कौए को चलता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगा था कि ये अब इस गांव में कभी नहीं लौटेगा, पर ना चाहते हुए भी ये मेरे गांव में दोबारा आ गया। मैं इससे लड़ नहीं सकता। अगर इसने मेरे बारे में टुनटुनी को बता दिया तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगेगी। इसके बारे में तो कुछ और सोचना होगा। इसके बाद कालू कौआ टुनटुनी से मिलने जाता है। टुनटुनी काले कौए को टोनी के बारे में बताती है, उसके बदले बर्ताव के बारे में उससे बातचीत करती है। मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि टोनी अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनती ही कहाँ थी टुनटुनी। अब लगा पता? टुनी बुरा नहीं है, बस वो थोड़ा बदल गया है। टुनटुनी अच्छी तरह से जानती थी कि काला कौआ उसे बचपन से ही एक तरफा प्यार करता है, लिहाजा अब वो भी उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन इसके बाद अभी भी वो टोनी को ही चाहती थी। इसी बीच एक बार फिर टोनी से मुलाकात टुनटुनी की होती है, लेकिन इस बार टोनी टुनटुनी से बहुत प्यार से बातें करता है। आज तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर? पिछली बार तो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे थे टोनी, तुम तो बदल गए हो। आई एम सॉरी टुनटुनी, पिछली बार सीनियर सर से बहस होने की वजह से मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मैंने तुमसे वैसा बर्ताव किया होगा। कोई बात नहीं टोनी। इस मुलाकात के बाद टोनी और टुनटुनी अक्सर मिलते रहे। जब इस बात का पता कालू कौए को लगता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। बस बहुत हुआ, बहुत कर ली प्यार भरी बात। टुनटुनी तूने मेरा प्यार ही देखा है, अब बारी गुस्सा देखने की है। इसके बाद कालू कौआ टुनटुनी के पास जाकर उसे पीट पीट कर अगवा करने की कोशिश करने लगता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कालू कौआ, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्यों पीट रहे हो? आज तुझे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुझे प्यार से पाने की बहुत कोशिश की, मगर तू मुझे नहीं मिल पाई। अब बारी तुझे ताकत से पाने की है टुनटुनी, तू नहीं बचेगी, तू हमेशा के लिए मेरी ही है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो कालू कौआ, छोड़ दो मुझे, मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे मत पीटो, मुझे छोड़ दो। बहुत हुआ तेरा, अब चुपचाप मेरे साथ चल। कालू कौआ टुनटुनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी इतने में टोनी वहाँ आ जाता है। छोड़ दो उसे। ओह देखो तो जरा कौन आया है। ओ टोनी यहाँ से चुपचाप निकल ले, इसी में तेरी भलाई है, वरना आज तेरी लाश यहाँ से जाएगी। तू टुनटुनी को मेरे होते हुए नहीं ले जा सकता, तो मैं इसे तेरे मरने के बाद ले जाऊंगा, चिंता मत कर। इसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। फाइट के दौरान टोनी को थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है। इसी बीच मौका मिलते ही टुनटुनी पुलिस को फोन कर देती है। हेलो सर, कालू कौआ यहाँ किसी से फाइट कर रहा है, जल्दी से इसे यहाँ से ले जाइए। इसके बाद पुलिस आकर कालू कौए को अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। तुम ठीक हो ना टोनी? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, चलो चलते हैं। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड भी हैं, पर तुम मुझे बचपन से ही बहुत अच्छी लगती हो। सच बताऊँ टोनी, मुझे भी तुम बचपन से बहुत अच्छे लगते हो। आई लव यू टुनटुनी। आई लव यू टू टोनी। मुझसे
शादी करोगी टुनटुनी? मुझे लगता है ये कहने में मैंने थोड़ी देर कर दी, पर फिर भी दोबारा पूछना चाहूंगा, मुझसे शादी करोगी टुनटुनी? टोनी के इस प्रपोजल पर टुनटुनी मुस्कुराकर हाँ कह देती है। तो इस तरह से बचपन से बेस्ट फ्रेंड टोनी और टुनटुनी लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। दोस्तों, हम ताकत के दम पर किसी को अपने सामने झुका सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, लेकिन किसी को प्यार नहीं कर सकते और ना ही उसका प्यार पा सकते हैं। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ प्यार से पाया जा सकता है, इसके अलावा इसे किसी और तरीके से नहीं पाया जा सकता।